सो वेलकम बैक टू क्विज, और स्वागत है तुम सभी का एक बिल्कुल नए थ्योरी वीडियो में। कुछ दिनों से मेरा रिस्पांस थोड़ा सा ज़्यादा ही बेकार हो रहा है, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को थोड़ा अपने बेबलेट और पोकेमोन फैंस के साथ शेयर करो, क्योंकि आज की हमारी वीडियो होने वाली है बेबलेट और पोकेमोन के ऊपर। हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे पोकेमोन जो कि बेबलेट में बिट बीच से मिलते हैं। दोनों अपने टाइम के बेस्ट एनिमेज रहे हैं। तो चलो ठीक है, अब बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब आते हैं हम नंबर वन की तरफ। नंबर वन पे जो बिट बीस्ट आता है वो है ड्रैगून। दोस्तों ड्रैगून मेन कैरेक्टर टाइसन का बिट बीस्ट है, और ये रक्वाजा से मिलता जुलता है। इन लोग का कलर भले ही ना मिले, लेकिन इन लोग का सर और इन लोग की बॉडी ऑलमोस्ट मैचिंग ही है, या फिर कह सकते हैं पूरी तरह से मैच करती है। तो चलो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ, जो कि है नंबर टू। अभी नंबर टू पर जो हमारा बिट बीस्ट आता है वो है ड्रॉन्जर। दोस्तों ड्रॉन्जर का ही बता रही नाम के ब्लेडर का एक ब्लेडर है, जो कि ऑलमोस्ट नहीं वो सच में बहुत ज़्यादा फैन फेवरेट है। और ये जो ड्रॉन्जर है ये मोल्टर से मिलता जुलता है। दोनों के एलिमेंट भी फायर है, भले ही ड्रॉन्जर एक फीनिक्स हो, लेकिन फिर भी ये दोनों ऑलमोस्ट मुझे सिमिलर ही लगते हैं, तो फिर मैंने इसीलिए इसको नंबर टू पर रखा। आते हैं हम लोग नंबर थ्री पे। नंबर थ्री पे जो बेब्लेड का बिट बीस्ट आता है वो है ड्रिगर। ड्रिगर रेकन का बिट बीस्ट है, और ये मैच करता है लग्जरी नाम के पोकेमोन से। लग्जरी एक इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमोन है, और ड्रेगर का भी एलिमेंट ऑलमोस्ट नहीं वो इलेक्ट्रिक ही है। अब आते हैं हम लोग अगले नंबर पे, जो कि है नंबर फोर ड्रसील। एक ड्रसील मैक्स का बिट बीस्ट है, मैक्स स्टेट का, और वो एक टर्टल है। तो फिर मैंने सोचा कि ये ब्लास्टोइस से ज़्यादा ही मिलता जुलता है, वो इसलिए नहीं क्योंकि इनके कलर से, लेकिन इन लोग का शेल और इन लोग की बॉडी ऑलमोस्ट एक जैसी ही है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले बिट बीस्ट की तरफ। अगला बिट बीस्ट है गैलेक्स। गैलेक्स में की रे के फ्रेंड मराया का बिट बीस्ट है, और ये ग्लैमेओ से मिलता है। दोनों ही कैट हैं, और इन लोग के तुम लोग कान देख सकते हो और पूंछ भी देख सकते हो। पूंछ भी थोड़ी सी अतरंगी टाइप की है, तो फिर मैंने सोचा कि इसीलिए शायद ये लोग ऐसे एक जैसे लग सकते हैं, तो फिर इसलिए मैंने इन लोग को इस लिस्ट में इस नंबर पर रखा है। अब जो हमारा नेक्स्ट बिट बीस्ट है वो है वुलबॉर्ग। वुलबॉर्ग टाला का बिट बीस्ट है, और ये जमाजेंटा से मिलता जुलता है। तुम लोग देख ही सकते हो दोनों एक वुल्फ हैं, बस इन लोग के कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है। वुलबॉर्ग तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट बिट बीस्ट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट बिट बीस्ट है वो है गैलियन। दोस्तों गैलियन राइकू से मिलता जुलता है। तुम लोग को पता ही होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रिक ही यूज़ करते हैं, यानी इन लोग का एलिमेंट राइको का तो टाइप ही इलेक्ट्रिक टाइप है, और वो एक लेजेंडरी डॉग है, लेकिन वो एक लायन से मिलता जुलता है जो कि कैट है। आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ, जो कि है रॉक बाइसन। रॉक बाइसन टोरो से मिलता जुलता है, और इसमें मैं ऑलमोस्ट नहीं कहने वाला, क्योंकि सच में पूरी तरह से उससे मिलता है। बस इसके पास कुछ थोड़ा आर्मर और शेल ज़्यादा ही है, और इसके फर ज़्यादा है, बट ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम लोग को वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अभी वीडियो को जाकर लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो और घंटा दबा दो। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना।